नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले से काम के बहाने लेकर गए 29 बच्चे, 2 महीने करवाया काम, नहीं दी मजदूरी, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। हट्टा के दही गढ़वा से मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खैरलांजी और वारासिवनी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। नक्सली शहीद सप्ताह को लेकर पुलिस का अलर्ट, लगातार की जा रही सर्चिंग। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहाय कर रही हड़ताल पर, किया धरना प्रदर्शन, निकाली रैली। अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके का दौर शुरू, पिपरिया में करवाई गई मेंढक मेंढकी की शादी। जिला चिकित्सालय को जल्द मिलेगा नेत्र रोग विशेषज्ञ, जल्द आ सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन ने यह जरूर आदेश जारी कर दिया है कि एक पंचायत एक पटवारी, लेकिन सैकड़ों पटवारियों के पद खाली होने की वजह से यह आदेश मैदानी स्तर पर खोखला दावा साबित होते दिखाई दे रहा है। निश्चित ही इस आदेश के बाद से ग्रामीण खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके पूरे काम हो जाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि वरिष्ठ स्तर पर पटवारियों के कितने पद खाली पड़े हैं, जिस कारण पटवारियों से होने वाले काम के लिए उन्हें पूर्व की तरह अभी परेशान होना ही पड़ेगा। बोदा निवासी हनस लाल बताते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि पटवारी अच्छे से काम करेंगे। बहुत परेशानी होती है। कैसी परेशानी होती है? पानी के वजह से हर चीज से, इसमें खसरा उसरा नंबर उम्बर भी। हाँ। और जैसे अभी देखा जा रहा है कि पटवारी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, क्या लगता है आपको? अब क्या मालूम बैठते हैं नहीं बैठते, तो भी लेकिन अच्छी सुविधा अच्छी मिल रही है, मिलेगी इससे आपको? अब वो पटवारी करेगा तो मिलेगी, हर काम होंगे आपको, हर काम होगा। ओमकार चौधरी बताते हैं कि हर काम के लिए पटवारी के पास जाना पड़ता है, सरकार का फैसला जनता के हित में है। सरकार का फैसला अगर एक पंचायत में एक पटवारी का अगर होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, जनता के हित में होगा, क्योंकि ज़्यादा पंचायत रहने से उनको काम बढ़ जाता है और किसानों का काम जो है समय पर नहीं हो पाता। अरे क्या क्या काम पड़ता है पटवारियों से? पटवारियों से तो A to Z मतलब ये है कि बच्चों की आय प्रमाण पत्र से लेकर के जमीन नपाना, नक्शा खसरा नामांतरण से लेकर के और बहुत सारे काम जैसे हैं जुड़े हुए, कभी जमीन का मतलब क्या बोलते हैं खसरा नंबर निकालना है, वो सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। अच्छा ये बताइए, जैसे पहले अपन लोग काफ़ी भटके हैं, अभी अब क्या होना चाहिए कि अब नए में ये होना चाहिए कि एक पंचायत में एक पटवारी हो, वो ग्राम पंचायत में या एक उसका एक पर्सनली ऑफिस हो हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में, और वो वहाँ पे 11 से 5 का कम से कम टाइम दे पब्लिक को। और कभी कभी लोगों की समस्या रहती है, अभी तो ऐसा कह नहीं सकते परफेक्ट तौर पे। अपन ये देखा गया है कि एक पटवारी को 3-3, 4-4 जगह का प्रभार दिया गया है, इससे तो परेशानी बढ़ रही है, मतलब उनकी भी परेशानी बढ़ रही है ऐसा लगता है, और जनता ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ऐसे में भर्ती निकालना चाहिए पटवारी? भर्ती तो बिल्कुल तत्काल निकालना चाहिए। पिपरिया निवासी बकराम लिल्हारी बताते हैं कि पटवारियों के पास बहुत अधिक काम है, इसीलिए उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल काम है, वह मिलते ही नहीं। वहीं नारायण लिल्हारी निवासी पिपरिया बताते हैं कि फैसला तो बहुत सही है, पहले दिक्कत होती थी पटवारी मिलते नहीं थे। सही है। पहले क्या दिक्कतें होती थी क्या? पहले तो होती थी, अभी सही है। कैसी दिक्कतें होती थी पहले? कभी मिले पटवारी, कभी मिले कभी नहीं मिलते। और अभी जैसे देखा गया कि एक पटवारी को 2-2, 3-3 प्रभार दिया गया, 3-3, 4-4 पंचायतें, तो क्या उसको हटाना चाहिए क्या? पटवारी को एक ही पंचायत देना चाहिए? हाँ, एक ही देना चाहिए। अभी पहले तो पटवारी साहब के लिए कोई भी हम अपने किसानों को काम पड़ा मिलते नहीं थे, कभी देंगा टोला आते थे, देंगा टोला नहीं मिला वारस में जाते थे, मिलते नहीं थे। लेकिन अभी हम बता रहे भैया ओझा टोले में नारायण क्या बैठते हैं कहीं। अच्छा, सरकार ने एक फरमान जारी किया पटवारियों के लिए कि पटवारी अब पंचायतों में बैठेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मगर ये चीज़ देखा गया है कि पंचायतों में पटवारियों को 2-3 पंचायतों का प्रभार मिलता है, तो क्या उसमें और हो पाएगा कि आप लोग का मुलाकात होगी या नहीं होगी? नहीं होती जी, एक पंचायत में रहेगा तो मुलाकात हो जाएगी, 2-3 पंचायत में कहाँ काम बैठेगा। तो सरकार को भर्ती करना चाहिए पटवारियों की? हाँ, दूसरी भर्ती होना चाहिए।
नवेगांव उप सरपंच राजेश दुबे बताते हैं कि पटवारियों के पास बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। इस कारण वे रोजाना पहले भी पंचायत में नहीं पहुंच पाते थे और शायद आगामी दिनों में भी यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को दी जा रही है, उसमें क्योंकि एक पटवारी के अंतर्गत चार पाँच पंचायत होने से पूरी तरीके से किसानों का काम नहीं हो पा रहा है। शासन से अनुरोध है कि इसके लिए हर पंचायत में अलग अलग पटवारियों की व्यवस्था हो। अभी पटवारी साहब SDM कार्यालय में बैठ रहे हैं, जिसके वजह से किसान लोग भटक रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। अतः पटवारियों की नियुक्ति होना अति आवश्यक है। हर हल्के हर गांव पंचायत के अंतर्गत पटवारी बैठे, शासन ने अभी निर्देश जारी किया है कि हर पंचायत में पटवारी दो दिन बैठेंगे, लेकिन जब चार पांच पंचायतों के अंतर्गत पटवारी एक है तो किस प्रकार से किसानों की सेवा दे पाएंगे। अतः पटवारियों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए मुख्यालय से लगी हुई पंचायत बोदा में बड़ी संख्या में सोमवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान ग्रामीण की उपस्थिति और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार बताते हैं कि उनका हर युवा से अनुरोध है कि वह पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण जरूर करें। मिलके सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि भारत माता को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब युवाओं ने प्रण लिया है। और हमारा इस ग्राम से संदेश है कि हर युवा अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में पेड़ लगाकर इस भारत माता की रक्षा करे। और पेड़ है तो जीवन है, ऐसा हम इस गांव से संदेश देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे मंडल में और पूरे जिले में यह संदेश देना चाहता है कि वृक्ष लगाओ तो जीवन है, वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। इस भाव को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो क्या यहीं से शुरुआत की गई? आज हमने ग्राम बोदा से शुरुआत की है। इसके बाद में हम जितने हमारे मंडल में जितनी पंचायतें आती है सभी पंचायत में जाके वृक्ष भी लगाएंगे और युवा मोर्चा की सदस्यता भी दिलाएंगे। आज हम लोग इस ग्राम पंचायत से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान जो इस पूरे भारत देश में चल रहा है उसकी शुरुआत युवा मोर्चा ने करी है, जिसमें लगभग आज हमारे यहाँ जब हम लोग आए हैं तो सब ग्रामीण लोगों के साथ में वृक्षारोपण के साथ में लगभग 100 नए सदस्य हम लोगों ने अभी तक के बना चुके हैं। और इन लोगों को फॉर्म भी दिए हैं जिसमें ये अपनी डिटेल भर के दे रहे हैं और अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन इन लोग सदस्य बन रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जैसी सोच है कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बने, हम लोग सतत काम करने वाले संगठन में कार्यरत। जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बिरसा की ग्राम पंचायत गोवारी के एक किसान की मेहनत से बंजर भूमि पर काजू की खेती किए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसका असर हुआ है। कोची में स्थित काजू एवं कोको विकास निदेशालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर वेंकटेश एन होबल्ले अपनी टीम के साथ बिरसा विकास खंड पहुंचे और ग्राम गोवारी के ग्राम देवरी मेटा में जंगला जलाशय से लगी बंजर एवं पहाड़ी जमीन पर की गई काजू की खेती का निरीक्षण किया और बताया कि इस क्षेत्र की जलवायु काजू की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ के आदिवासी ग्रामीण जिनके पास संसाधनों की कमी है उनके लिए काजू की खेती फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे कम लागत में अधिक लाभ मिलता है और भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस दिशा में हर तरह के सहयोग हेतु तत्पर है। सब मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल कंडीशन बहुत सूटेबल है इधर। और दूसरा, आप लोग आप बता रहे हैं वो ट्राइबल लोग है, डेफिनेटली ना उनका इन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए ना ये काजू बहुत मोस्ट सूटेबल क्रॉप है। तो सर, भविष्य में क्या किसान लोगों को अच्छा इसका लाभ मिलेगा? और जरूर मिलेगा, क्योंकि ना मैं कैसे मिलेगा मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम लोगों ने 2018-19 में 10 करोड़ हम लोगों ने खर्चा किया इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो उसका प्रोड्यूस आता है दो तीन दिन आप सुखाओ, बाद में आप 6 महीने और 1 साल तक आप रख सकता है और कभी आपको अच्छा ये मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा, तभी आप वो आप सेल कर सकता है। सर, यहाँ ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ किसान अपनी इच्छा भी रख रहे हैं यहाँ काजू उत्पादन करने के लिए, तो
क्या सर ऐसा कुछ टारगेट तय किया है यहाँ पे? टारगेट तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो बोलेगा वो जरूर है ना, वो कृषि मंत्रालय से जरूर उनको मिल जाएगा। संचालक महोदय ने कहा है और कृषि मंत्रालय डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर बहुत दे आल्सो बहुत एंथुसियास्टिक है। वो लोग कमिश्नर साहब बोल रहे हो, डायरेक्टर साहब बोल रहे हो मध्य प्रदेश सरकार का, वो ज्यादा वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में और ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में और बालाघाट में थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत उत्साह का है। बता दें कि जिस जमीन पर किसान ने मनरेगा की मदद से काजू की खेती की है वह सिंचाई विभाग की है। ग्राम पंचायत गोवारी के लोगों ने सोचा कि इस बंजर बेकार पड़ी जमीन का उपयोग किसी अच्छे कार्य में होना चाहिए जिससे ग्रामीणों को आमदनी हो। ऐसे में उद्यान विभाग के अधिकारी हरगोविंद धुवारे ने ग्राम पंचायत के सरपंच भगत सिंह परते और सचिव संतोष टेमरे को सलाह दी कि वे इस बंजर जमीन पर काजू के पौधे लगाएं। इस क्षेत्र की जलवायु काजू के पौधों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। नक्सलियों द्वारा अपने साथियों की याद में जिन्हें वे शहीद का दर्जा देते हैं उनकी याद में जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के मध्य नक्सली शहीद सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान नक्सलियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए घटनाओं को अंजाम भी दिया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस लगातार सर्चिंग सहित बॉर्डर के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते कुछ वर्षों से नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन 9 जुलाई की रात को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, जिसे देखते हुए पुलिस भी सतर्कता बरत रही है और लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बालाघाट जिले में क्योंकि नक्सली मूवमेंट के हिसाब से पर्याप्त लगातार पुलिस व्यवस्था जो है चौकस है, सर्चिंग पार्टीज चल रही हैं, एम्बुश की कार्रवाई भी चल रही है और लगातार जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो सके और ख़ासकर बालाघाट जिले में आसपास लगे हुए बॉर्डर के क्षेत्र में जहाँ पे MMC ट्राई जंक्शन है, राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, मंडला जिला और गोंदिया जिले से जो हमारी बॉर्डर्स लगती हैं उन सभी फॉरेस्टेड एरियाज़ की बॉर्डर्स में लगातार हम एरिया डोमिनेशन करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी घटना को नक्सली अंजाम ना दे पाए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि जिले के भीतर नक्सलियों के बड़े कमांडर आए हैं। इस विषय में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली, लेकिन समय समय पर नक्सली मूवमेंट की जानकारी मिलती रहती है जिस पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों कोई बड़ा नक्सली यहाँ आया हुआ कुछ जानकारी? इस तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं है, हालांकि कुछ उनके मूवमेंट की कहीं कहीं गाँव से सूचना आती है तब जनरली संख्या के बारे में ही संज्ञान आता है। कुछ इनपुट्स से कुछ विशेष उनके लीडर्स के मूवमेंट की भी संभावना का पता चलता है पर वो वेरीफाइड नहीं होता। जैसा कि पूर्व की घटना में देखा गया है कि नक्सलियों द्वारा उन पर हुई कोई भी कार्यवाही का विरोध दर्ज करवाया जाता रहा है, शायद नक्सली सप्ताह के मौके पर ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे, इसीलिए पुलिस लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। कटंगी क्षेत्र के पठार अंचल में कोसुम्बा से महकेपार के बीच बनी सड़क के लिए अधिग्रहित किसानों की जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिला है और सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। अब किसान मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। दरअसल पूरा मामला 37 साल पुराना है और तभी से चला आ रहा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1982 में लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए करीब 100 किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन तब सरकार किसानों को बहुत ही निम्न दर पर मुआवजा दे रही थी जिसे किसानों ने लेने से साफ इनकार कर दिया था, मगर निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं डाली थी। अब पुनः 2018 में इस मार्ग का विस्तारीकरण किया गया जिसके चलते किसान फिर से वर्तमान बाजार मूल्य से मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों ने निर्माण कार्य में बाधा भी डाली मगर निर्माण एजेंसी ने रातों रात निर्माण कर डाला, जिसके चलते आज पीड़ित किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सेन गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने एक दिन पूर्व ही तिरोड़ी में कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई थी। जो कोसुम्बा का किसानों के द्वारा जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अभी जो आवेदन दिया गया है, इस मामले में यह है कि 1982 में लोक निर्माण विभाग के द्वारा भूमि का रोड निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण किया गया था और उस समय के जो शासन से जो अधिग्रहण के बदले में जो एवज में किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो एकदम इन किसानों के साथ में एक छलावा और मजाक की तरह था, इसलिए किसानों ने भूमि का शासन के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं किया और अपनी भूमि को रोड में जाने से उन्होंने मना भी नहीं किया।
परंतु अभी विगत वर्ष जो है 2018 में बीआरएस कंपनी के द्वारा पुनः उस रोड का चौड़ीकरण किया गया, जिसमें किसानों की पहले तो भूमि गई थी, लेकिन बाद में अभी और मतलब जो है 30 फीट उसका अधिग्रहण किया गया है, और उसका उसके बदले में शासन की तरफ से अभी तक के कोई अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की गई है। और जब अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने मिलकर सोमवार को रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मध्य प्रदेश बुलंद नारी शक्ति संगठन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन और सीटू के तले दो अलग अलग संगठन ने प्रशासन को अलग अलग ज्ञापन सौंपा। सोमवार को स्थानीय बस स्टैंड में बुलंद नारी शक्ति संगठन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके पश्चात रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुझे तो काम है, काफी समस्या है। हम लोग एक दिवसीय पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ धरना प्रदर्शन है, विरोध रैली है, क्योंकि पिछले 47 दिनों में जो हम लोग ने हड़ताल करी थी उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा अतिरिक्त मानदेय 7,000 बढ़ाया था और केंद्र सरकार से 3,000 मिलाकर 10,000 राशि थी, जो कि अभी पूर्व में बजट आया है और बजट में कटौती होने की वजह से हमारे नए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो कांग्रेस सरकार के हैं उन्होंने हमारे अतिरिक्त मानदेय में 1,500 की कटौती की है। और क्या बोलते हैं, उन्होंने जो चुनाव आने के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ताओं को हम नियमित करेंगे, मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, पर उन्होंने अपने वादे को तो पूरा ना करते हुए हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पेट में लात मारी है। तो मैं माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही उन्हें मिली क्या वेतन कटौती करने में। और ये कमलनाथ जी ने 1500 जो आंगनबाड़ी का, हम आज इसलिए ज्ञापन देने आए कि जो केंद्र सरकार ने हमारा 1,500 रुपए 1 अक्टूबर से बढ़ाया था, उसको राज्य सरकार ने देऊंगा दूंगा करके उसको यानी ये करके रखे 1 अक्टूबर से, और आज यानी अभी आदेश जारी कर दिया कि जो 7,000 रुपए हमको मिल रहा था स्टेट का उसको 5,500 कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोदी सरकार का 4,500 जो 11,500 होना था उसको 10 का 10 ही कर दिया, जो पहले भी 10 मिलता था अभी भी बढ़ने के बाद भी 10 ही किया है। इसलिए हमें वो 1,500 रुपये वापस चाहिए, और कमलनाथ जी ने जो अपना वचन पत्र में लिखा था आंगनवाड़ी कर्मियों को मैं शासकीय कर्मचारी घोषित करूँगा, ग्रेड 3 और 4 को सहायिका को 4 का दर्जा दूंगा, तो वो अपने वचन पत्र पर अमल करे, इसलिए हम आज वचन पत्र दिए, नहीं तो हम अपने अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। सावन मास के पहले सोमवार के अवसर पर दिन भर शिव मंदिरों में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर सुबह शिव साईं मंदिर के भक्तों द्वारा शंकर घाट से वेनगंगा नदी का जल लेकर कांवड़ यात्रा निकाली गई और मंदिर में अभिषेक किया गया। सावन सोमवार होने के कारण दिन भर शहर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान शंकर घाट इतवारी स्थित पिपलेश्वर महादेव में भक्तों का तांता लगा रहा। शाम को जिला अस्पताल स्थित शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस तरह पूरा दिन शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिवाय सततत नमः, नमः विष्णवे भद्राय, नेता प्रकाशमकाम माता पार्वती का जल मिलाएंगे केवल, क्योंकि उस तंगी से जाएगा नहीं। और इसमें श्री नाथ को नमः, ततो विराज जायत विराज, ओम हरि ओम मा पंचामृतम मयाने दम्बयोदरी कृतम मदेशेव ओंकार स्वामी वन।
ये बहुत दौड़ी गाड़ी है। नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में 22 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल वारासिवनी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे बीएमओ रविंद्र ताथोड़ की उपस्थिति में किया गया, जिसमें करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने रक्तदान करने के लिए पंजीयन करवाया, किंतु स्वास्थ्य कारणों के चलते 46 लोगों का रक्त लिया गया। आज सिविल अस्पताल वाराणसी में जैसा आप देख रहे हैं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे जिले के कलेक्टर साहब और हमारे मुख्य सरकारी साहब का प्रयास है कि कम से कम अधिक से अधिक मात्रा में हमारे जिले का ब्लड बैंक है वहाँ रक्त जमा हो, ताकि हम जो जरूरतमंद है उनको रक्त दे सकें। उस अभियान के तहत आज जिला आज सिविल अस्पताल वाराणसी में इस रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के निर्देशन में किया जा रहा है और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। अभी तक लगभग 20 प्वाइंट ब्लड कलेक्ट हो चुका है और आने वाले लोगों की। लालबर्रा हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोले शंकर जनकल्याण समिति के तत्वाधान में श्रावण मास के पावन अवसर पर 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे से जारी 2 दिवसीय संगीतमय अखंड रामनाम संकीर्तन का 22 जुलाई को आस्थापूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर 24 घंटे के पश्चात राम नाम संकीर्तन पूर्ण होने पर 22 जुलाई को शाम 5 बजे हवन पूजन का आयोजन किया गया। ललोहिताय स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा, 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 ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। इतवार से राम नाम कीर्तन जो है स्वाहा, राम नाम कीर्तन जो है स्वाहा, जिसका समापन होगा और भंडारा होगा। सुबह से क्या क्या है? सुबह से क्या क्या आयोजन है? सुबह से कल से चालू हुआ है राम नाम का जो संकीर्तन जो चालू है, 24 घंटे का संकीर्तन था तो वही अभी तक चलते रहा है और अभी तो हवन चालू हुआ। हवन के बाद महाआरती के बाद भंडारा। ग्राम पंचायत पिंडके पार के युवाओं ने 22 जुलाई को वारासिवनी तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार सारिका परस्ते को सौंपकर ग्राम की घास बीड़ की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। युवाओं ने बताया कि ग्राम पिंडके पार की भूमि पर ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा है। चूंकि ग्राम पिंडके पार के अधिकांश व्यक्ति मजदूर एवं कृषक हैं तथा गौ पालन एवं बैल भैंस बकरी आदि पालने का भी काम करते हैं। चारागाह जो है अतिक्रमण भूमि कर चुके हैं, 100 एकड़ जमीन पंचायत की है रखी हुई, उस पर गांव के ग्रामीण लोगों ने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर चुके हैं और उस पर खेती कर रहे हैं। और गांव के चारागाह लोग अगर जाते हैं गरीब लोग तो उनपे मारने वारने दौड़ते हैं, गाली गलौज लेते हैं। अपने यहाँ चारागाह के लिए जगह नहीं है वर्तमान में और चारागाह के लिए लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है, यानी चारागाह भूमि है ही नहीं। गांव के लोगों ने अतिक्रमण किया है, कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण है, तो हमारी ऐसी मानसिकता है कि गांव में अतिक्रमण हटाया जाए और गांव का जो भी अतिक्रमण हो रहा है उस पे कार्रवाई की जाए। वर्तमान में क्या परेशानी है? वर्तमान में परेशानी ये है कि गांव में चारागाह नहीं रहा, गांव की उतनी बंजर भूमि होने के बाद चारागाह नहीं, चरोई जमीन रहने के बाद चारागाह नहीं और कुछ लोग वहाँ खेती करके फसल उगाई जा रही है और हमें तकलीफ होती है जानवरों को चराने में। नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में 22 जुलाई को नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर समता फाउंडेशन मुंबई एवं देवाजी नेत्रालय जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल वारासिवनी में नेत्र शिविर आयोजित कर नेत्रों की जांच की गई, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर धनेन्द्र प्रसाद राहंगडाले के द्वारा क्षेत्र से पहुंचे लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें करीब 70 मरीजों का इलाज किया गया एवं इसमें 35 मरीजों का मोतियाबिंद के
ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिन्हें सिविल अस्पताल से बस के द्वारा दादाजी वीरेंद्रपुरी जी नेत्र संस्थान जबलपुर लेकर जाएंगे और उक्त 35 मरीजों का ऑपरेशन कर वारा सिवनी वापस ला दिया जाएगा, जो पूरी तरह निःशुल्क होगा। आज नेत्र शिविर में 70 मरीजों को देखा गया बाह्य रोगी में, और उसमें से 40 मरीज को मोतियाबिंद पाया गया, और इन 40 मरीजों को जबलपुर भेजा जा रहा है। सर, इनका इलाज कहाँ होना है और इनको क्या सेवाएं दी जानी है? इनका इलाज जबलपुर में, ऑपरेशन जबलपुर में किया जा रहा है, और यहाँ से उनको गाड़ी से भेजा जाएगा, और उनको गाड़ी से ही ऑपरेशन के बाद में यहाँ वापस ला के छोड़ा जाएगा। सर, ये पूरा खर्च का वहन किस पे जाएगा? नहीं, ये पूरा खर्च शासकीय है, उसमें किसी हितग्राही से कोई पैसा नहीं लिया जाता। लालबर्रा के विश्राम गृह में 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई लालबर्रा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कीर्ति कुमार निर्मल की अनुशंसा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई लालबर्रा की घोषणा की गई, जिसमें हरीश नागेश्वर को कॉलेज अध्यक्ष, शुभम तिवारी को नगर मंत्री एवं आशा राहंगडाले, कल्पना तिवारी व विनय राहंगडाले को उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। आज हम यहाँ पे नगर इकाई लालबर्रा में एकत्रित हुए थे। हमारे कुछ प्रमुख विषय थे जो भी आगामी सत्र में जो होने हैं, उसके साथ ही यहाँ की जो हमारी परंपरा है कि पूरे जिले के सभी इकाइयों में नगर कार्यकारिणी का घोषणा करना, पूर्व कार्यकारिणी को भंग करके हमने आज यहाँ पे सभी भाइयों बहनों के साथ, हमारे प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ, नवीन दायित्वों का हमने यहाँ पे नए छात्र छात्राओं को, भैया बहनों को, हमने उनको दायित्व सौंपा है। और यहाँ पे जो वर्तमान परिदृश्य है महाविद्यालय विद्यालयों में, आगे उस काम को और मजबूत करें और हम कंधे से कंधा मिला के हम लोग कार्य करें, ऐसी हमने योजना सबके साथ बैठ के। जिलेवासियों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि वर्षों बाद एक बार फिर जिला चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि सस्पेंड चल रहे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गांधी जल्द ही बाहर होकर दोबारा से जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं पूर्व की तरह देते रहेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर गांधी एकमात्र जिले में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। उनके निलंबन के बाद से जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले नेत्र शिविर लगना बंद हो गए थे, जिस कारण नेत्र रोगियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। बालाघाट से नेत्र रोगियों को जबलपुर रेफर कर दिया जाता था। अब यह परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। इंतजार बस इस बात का करना होगा कि जल्द से जल्द बहाल होकर जिला चिकित्सालय वे पहुंच जाएं। डॉक्टर साहब अभी एक साल से सस्पेंड है, और उनकी किस बहाली की प्रक्रिया चल रही है शासन स्तर से, तो बहुत जल्दी उनको बहाल कर दिया जाएगा। और बहाल हो जाएगी तो वो वापस पहले जैसा कार्य करने लगेंगे, तो डॉक्टर की कमी की पूर्ति हो जाएगी। जहाँ तक है कैंप्स करता, तो जबलपुर से हमारी टीम आ रही है, जबलपुर की टीम आके और मरीजों को परीक्षण करके ले जा रहे हैं, तो कैंप्स मोड पे हम पेशेंट को भेजते हैं, उनका ऑपरेशन भी हो रहा है, तो वो समस्या भी है। सावन मास में बारिश नहीं होने की वजह से जिले वासियों में बहुत अधिक चिंता व्याप्त है। इस बात को देखते हुए पुरातन काल की परंपरा टोटके के अनुसार जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर वारासिवनी तहसील के पिपरिया पंचायत में सोमवार की सुबह मेंढक मेंढकी की शादी का टोटका किया गया। बताया जाता है कि इस टोटके के बाद बंपर बारिश होती है। अब देखना यह है कि रूठे सावन को मनाने के लिए यह टोटका कहां तक कारगर साबित होता है। गांव के पुजारी उमेश कुमार मरसकोले बताते हैं कि ग्रामीणों की सलाह के बाद ही मेंढक मेंढकी की शादी का टोटका किया जाता है, जिससे बारिश हो जाए। उमेश कुमार बताते हैं कि कई वर्षों पहले भी गांव में बारिश के लिए इस तरह के टोटके करवाए जा चुके हैं, जो कारगर साबित हुए हैं। ये मौसम की वजह से। क्यों, मौसम को क्या हो गया? मौसम यानी पानी नहीं आ रहा है, तो सभी अपन किसान लोगों ने सब सलाह किए और बोले कि भाई ऐसे कैसा तो करवा लो, क्या होता है इतनी पता चलेगा। ये सोच करके हमने सभी भाई लोगों के बीच में बात को रखे, और बात को रखने के बाद में इसका कार्य किए। तो सुबह कल मेंढक पकड़ के लाए और उसकी विधि विधान से वो छिले घर से, तो उसको हमने लाए और उसका सिंदूर कुकुर वगैरह लगा के सब गांव से बढ़िया बाजा वाजा से तैयारी, अपने देवी
स्तन है, बजरंग बली है, भीमसेन बाबा है, इनके इस पे हमने ले जा करके उनका सभी का नारियल वगैरह सब पान फूल से ये किए। तो कितने बजे करवाया गया था ये काम? करीब 8 बजे। 8 बजे हुआ था। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको कि ये टोटके जो किए हैं, क्या भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे इससे? अब तो हम तो जब वही सोच के तो किए हैं। इसके पहले भी कभी करवाए थे क्या आपने? इसके पहले तो हमने कभी जानने नहीं है। हाँ। लेकिन वो क्या है कि अब सभी लोग कहने लगे ऐसा करवा के तो देखते हैं, बहुत लोग जगह करवा रहे हैं। नहीं, इस गांव में जानकारी लगी, इस गांव में भी पहले हो चुका है? पहले हो चुका था, लेकिन हम नहीं जानते उसको। अब हम तो छोटे छोटे रहेंगे, उस समय में हुआ होगा तो ये मालूम नहीं है। अच्छा, वही चीज अपना रहे हैं? वही चीज को थोड़ा सा अपने अपना करके किए हैं अभी। गांव के ही पवन जैतवार बताते हैं कि मैं पेशे से किसान हूं, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक मेंढकी की शादी करवाई गई है। इस दौरान गांव के सभी लोग उपस्थित थे। मकसद वही, बरसात नहीं हो रही है इस वजह से। क्या क्या कार्यक्रम हुए थे इस दौरान? कार्यक्रम एक मेंढक पकड़े और उसके बाद उसकी विधिवत पूजा की और गाँव में प्रभात फेरी निकाले, देवी मंदिर के पास लेके गए उसको, हनुमान जी के पास नारियल चढ़ाए देवी जी के पास, और गांव में एक खिलिया मोटिया देवता होते हैं उनके पास ले जाके समापन किए। समापन की तो उस दौरान क्या काफ़ी भीड़ भी रही होगी जनता की? हाँ, गांव के लोग काफ़ी लोग थे। तो क्या मान्यता क्या है, इससे क्या होता है? अब मान्यता अब एक प्रकार का टोटका समझिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बरसात होए। कितने सालों बाद में किया आपने यहाँ? ये तो हमारी लाइफ में पहली बार हमने किए हैं गांव में। इसके पहले किए हैं, हमारे यहाँ सरसाम ठाकरे जी थे, एक्सपायर हो गए, उनने पहले एक बार किए थे, कहते हैं किए थे, हम बहुत छोटे थे। उसके तो क्या लगता है, पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? उम्मीद तो पूरी लगा के हैं। अगर नहीं होता तो फिर क्या किसानों को अकाल की संभावना है या? अब वो तो अब प्रकृति की जो मार पड़ेगी उसको तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, कितने बजे कार्यक्रम होता है ये? सवेरे 7 बजे। गांव के ही श्रवण मेश्राम बताते हैं कि पुराने लोगों की कहावत के अनुसार मेंढक मेंढकी की शादी कराने पर बारिश हो जाती है। इस बात को देखते हुए आज गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे आगामी दिनों में अच्छी बारिश हो सके। आज यहां कार्यक्रम ये हुआ कि कुछ लोगों ने पहले कहा था कि मेंढक और मेंढकी की शादी करा जाता है तो पानी गिरता है, पहले की कहावत में ऐसा कुछ विचार बना हमारे गाँव में पिपरिया में कि यार हम लोग भी करा ले, कम से कम इंद्रदेव जी प्रसन्न होकर अगर पानी गिरा दे बड़ी अच्छी कृपा होगी, तो हमारा जो किसान जो आज परेशान है वो परेशान ना हो। इसलिए हमारे गांव के लोगों ने इस विधि विधान से आज उसकी पूजा की गई और फिर उनका विसर्जन किया गया। तो क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से क्या? हाँ, सब तो लगता है कि पानी गिरेगा, ऐसा पूरा हमें अंदाज है। अच्छा, विज्ञान तो नहीं मानता कि कम से कम ऐसे ही टूट के से? देखो, विज्ञान तो नहीं मानता इस टूट के से, लेकिन ऐसे ऐसे जो टूट के हैं उसमें कई सफल भी हो गए हैं, हमने ऐसे देखा तो है अपनी उम्रों में, ऐसे कुछ छोटे मोटे टूट के कराने से सक्सेस हो जाता है। जिले से काम के बहाने बालिक नाबालिग युवक युवतियों की मानव तस्करी कोई नई बात नहीं है। आज ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब चेन्नई काम करने गए 29 बच्चों को बगैर टिकट रेल यात्रा कर रहे खम्मन रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया और बच्चों के बालाघाट का निवास होने के चलते उन्हें भोपाल जीआरपी को सौंप दिया गया। ये सभी बच्चे चेन्नई की किसी आम रस बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे थे। यहाँ इन्हें सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था। लगभग 2 महीने वहां काम करने के बाद बच्चों को महज 500 रुपए देकर ट्रेन में बिठा दिया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि इस विषय पर उन्हें भोपाल पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली है। जैसे ही बच्चे बालाघाट पहुंचते हैं उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों को लेकर जाने वाला उनका परिचित रहा होगा, इसी कारण परिजन इस मामले में सामने नहीं आ रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक बिरनलाल धामड़े 55 वर्ष टेमने निवासी थाना खैरलांजी निवासी है। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई की शाम बिरनलाल ने घर में खाना खाया और उसके बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे खैरलांजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया मौत की वजह जहरीली वस्तु का सेवन बताया जा रहा है, इसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम कायदी में संचालित एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में सांप काटने से संस्था के कर्मचारी महेंद्र शिव 38 वर्ष की मौत हो गई। महेंद्र अपने पिता के साथ उस शिक्षण संस्था में रात के समय चौकीदारी का काम करता था। सोमवार की रात को करीब 2 बजे जहरीले सांप ने महेंद्र को काट लिया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम दहीगढ़वा रोड के किनारे एक व्यक्ति घायल और बेहोशी अवस्था में मिला, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार दशहरे 32 वर्ष ग्राम धड़ी थाना किरनापुर निवासी के रूप में की गई। मृतक 2 दिन से घर से लापता था। उसके परिजनों द्वारा हत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक राजकुमार पुताई का काम करता था और शनिवार के दिन घर से पुताई के लिए जाने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। परिवारजनों ने पतासाजी की तो सोमवार को अचेत अवस्था में वह मिला। परिजनों ने हत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की है। शुक्रवार के दिन निकला 10 बजे करीबन खाना पीना खा के, उसको पूछा मैंने बोला कहाँ जा रहा है कहके, तो काम पे जा रहा हूँ कहके, इतना बोला बस। फिर कहाँ निकला था ये? फिर वो अपने काम के लिए मंगोली जाता हूँ कहके बोला भैया, बस इतना मैं जानता हूँ। तो आपको कैसे मिले मालूम हुआ कि यहाँ पर उसकी? मेरे काका ने बताया फिर कि हट्टा थाना तुम आज जाके देखो कहके, तब पता चला। तो क्या नाम है उसके मृतक का? लड़का का नाम राजकुमार प्रसाद। तो क्या करते थे? ये भी पेंटिंग काम करता था। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 भाई है और मेरी मिसेस है, मेरी लड़की है कि मेरी माँ रहती है। और इसके परिवार में? इसके परिवार में 2 बच्चे और एक उसकी पत्नी। पत्नी साथ में रहती है? साथ में नहीं रहती जी, अभी आई थी तो 15 दिन रही फिर चले गई थी। क्या विवाह चला था दोनों के पति पत्नी के बीच में? ऐसा तो विवाद मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा बहुत ऐसा। लेकिन कब से किस दिन निकला था यहाँ से? शुक्रवार के लिए। तो वो आपने जब नहीं आया तो किस कहाँ का खबर दी? फिर वही साइट पर देखा जाके शनिवार के दिन वो बोलने लगा कि भाई नहीं आया भैया, बोले शुक्रवार के दिन नहीं आया, बोले मेहमान की वजह से मैं शुक्रवार को जा नहीं पाया कहीं, मैं घर में ही रह गया। फिर शनिवार को जाके देखा तो नहीं आया, क्योंकि बताने लगे शुक्रवार। तो कहाँ मिला आप ये, कहाँ थी इसकी बेहोश पर हालत में, कहाँ पड़े थे? ये दहीगढ़ में बताए, दहीगढ़ खेत में किया, रोड किनारे खेत में बताया। क्या लगता है आपको? मेरा भाई क्या लगता है आपको इसमें? मेरे को तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। क्या लग ऐसा कुछ तो लग रहा है? वजह से ऐसा लग रहा है मारा हुआ, किसी ने मारा है ऐसा लग रहा है। जब मारने की आशंका है? कल शाम को दहीगढ़वा सरपंच ने 2 नंबर फोन लगाया, उन्हें बताया था कि यहाँ खेत में, गांव के पास खेत में एक आदमी खड़ा, तो 2 नंबर गई वहाँ, उसको देखे तो बताया कि इसकी सांसें चल रही है। तो फिर उन्होंने 108 को फोन लगाया और 108 आई मौके पर, और 108 से उसको जिला अस्पताल दूरी भिजवा दिया। और इसके बाद आज जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। तो मृतक कौन है सर? ये अभी इसकी जानकारी लग गई, ये लोग बैग आए हुए हैं। कहाँ के भैया? और पता चली कि धाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी कुछ अब तक प्रारंभिक इसने? अभी तो अभी पंचनामा किया हुआ है, CPM होगा, फिर जैसे भी जांच में आएगा उसी कार्रवाई की जाएगी। आप कौन थाने से सर? हट्टा थाना। सेंट्रल बैंक महकेपार पर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा बिना खाता धारक को जानकारी दिए पैसे निकाल लिए गए हैं। इस मामले में बैंक के एक खातेदार मुकुंद पुष्पतोड़े बताते हैं कि उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसकी किश्त उन्होंने जमा नहीं की तो बैंक ने उनकी बेटी के खाते से पैसे काट लिए। क्योंकि मैंने लोन उठाया था मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए, तो उसका पैसा कुछ समस्या होने के कारण अपन ने पटा नहीं पाए, और उस बीच में हमारे यहाँ के बच्ची को छात्रावृत्ति मिली थी 15,000 रुपये, वहाँ से बिगर पूछे और बिगर बच्ची की साइन लिए हुए अपना मैनेजर साहब ने 3,500 रुपये उसके अकाउंट से काट डाले। तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि कम से कम उसका विड्रॉल भरवाना था, हमको सूचना देना था, पैसे तो किसी भी खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। दूरभाष पर भी चर्चा के दौरान सेंट्रल बैंक के मैनेजर अभिजीत भूते बताते हैं कि इस पूरे विषय पर जानकारी ली जाएगी कि कैसे बिना जानकारी किसी के खाते से पैसे कट गए हैं।
पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में बढ़कर आ रहे बिजली बिल से जिलेवासी काफी परेशान हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रीष्मकालीन समय से जितना बिल ग्राहकों को नहीं भेजा गया उससे कहीं ज्यादा वर्तमान में भेजा जा रहा है। बढ़े हुए बिजली बिल को कम करने एवं विद्युत मीटर की जांच कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम बेमनी से आए लगभग आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने विद्युत कार्यपालन अभियंता कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में सभी ग्रामीणों ने विद्युत बिल कम करने व मीटर की जांच कर संबल योजना के तहत बिजली बिल भेजे जाने की मांग के साथ ही मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हम लोग ग्राम बम्बी विकासखंड किरनापुर के जो हमारे उपभोक्ता हैं बिजली से संबंधित हमारे किसान लोग हैं, इनका बिजली बिल जो प्रति महीने 100 रुपये या 200 रुपये आया करता था वह बिजली बिल इस महीने 17,000, किसी को 13,000, किसी को 12,000, ऐसे लगभग मैक्सिमम जो उपभोक्ता हैं बम्बनी गांव के सभी का बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो हम लोग यह मांग लेकर के यहां पर आए हुए हैं डी ऑफिस में कि इनके बिजली बिल को कम किया जाए और जो शासन ने जो संबल कार्ड के माध्यम से जो 100 रुपये बिजली बिल प्रति माह का जो योजना जो बनी है उस योजना का भी लाभ इन उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन जो पहले 100 रुपये बिजली बिल आया करता था वह बिल आज 13,000, 5,000, 10,000 ऐसा बिजली बिल आ रहा है जो अनुचित है और इसके लिए हम लोग आज यहां पर ज्ञापन देंगे डी साहब को कि भाई इसका निराकरण किया जाए और मीटर की जाँच की जाए कि जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग गलत रीडिंग मीटर रीडर द्वारा ली जा रही है जिसकी वजह से इनको परेशान होना पड़ रहा है आर्थिक रूप से। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले से काम के बहाने लेकर गए 29 बच्चे, 2 महीने करवाया काम, नहीं दी मजदूरी, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। हट्टा के दही गढ़वा से मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खैरलांजी और वारासिवनी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। नक्सली शहीद सप्ताह को लेकर पुलिस का अलर्ट, लगातार की जा रही सर्चिंग। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहाय कर रही हड़ताल पर, किया धरना प्रदर्शन, निकाली रैली। अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके का दौर शुरू, पिपरिया में करवाई गई मेंढक मेंढकी की शादी। जिला चिकित्सालय को जल्द मिलेगा नेत्र रोग विशेषज्ञ, जल्द आ सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।